आने वाले शनिवार को कर लें ये काम, शनि देव दूर करेंगे हर हाय। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनका पालन करने से मानव जीवन से बहुत सी कठिनाइयां व मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़े भी ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अगर सही से अपना लिया जाए तो हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं। तो आज आपके लिए इन्हीं देवताओं में से न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि देव से जुड़े कुछ खास वास्तु टिप्स, जिन्हें अपनाने से आपके आसपास मौजूद वास्तु दोष तो खत्म होंगे, साथ ही साथ कुंडली में स्थिति दोष भी खत्म होंगे। तो आइए देर न करते हुए शनि देव से जुड़े वास्तु के खास उपाय। शनिवार के पीपल के पेड़ के नीचे सुबह स्नान कर दोनों हाथों से पेड़ को छूते हुए जल अर्पित करें और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करके और ॐ शं शनैश्चराय नमः का जप करें। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त होते हैं। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे 4 दीपक जलाने से धन, वैभव और यश में वृद्धि होती है। किसी भी चीज के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीजों जैसे उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने को किसी गरीब को दान देने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिवार की रात में रक्त चंदन से, अनार की कलम से ओम ह्रीं को भोजपत्र पर लिखकर नित्य पूजा करके से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कुत्तों को सरसों का तेल, लगी हुई रोटी, खिलौने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के प्रसन्न होने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है।